Hello friends, welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to start with the next session of HTML. जो हमारी पहली वीडियो थी HTML में, जहाँ पे हमने बात करी थी बेसिक्स रिगार्डिंग द HTML, आप फॉर्म्स कैसे बनाओगे, आप टेबल कैसे बनाओगे, जो HTML के बेसिक टैग थे उनके बारे में हमने बात करी थी. आज मैं बात करूँगा उसके आगे फर्दर जो चीज़ें हैं उसके बारे में. आज सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई आपने टेबल बना लिया, आपने फॉर्म्स बना लिया, और टेबल और फॉर्म्स बनाने के बाद जिस तरीके से हमने वहां पर फॉर्म बनाया था, यदि आप उस तरीके का फॉर्म बनाओगे और क्लाइंट को लेके दोगे तो क्लाइंट तो भाग जाएगा. भाई आप चाहते क्या हो, भाई कंपनी सर्वाइव करे तभी आप सर्वाइव करोगे. तो आपको जब कभी भी HTML में फॉर्म डिजाइन करना हो तो उसका अपना एक तरीका है, और जो बेसिक तरीका है जो नॉर्मली सारे बिगनर्स जो प्रोग्रामर्स होते हैं लोग यूज करते हैं, वो ये है कि आप ज़्यादा कुछ मत करो, कम से कम एक टेबल बनाओ और टेबल के अंदर अपने फॉर्म्स को अरेंज करो. तो आज मैं फर्दर इसी चीज़ों की बात करने जा रहा हूँ. तो आज ये हमारा HTML का सेकेंड सेशन है, और मेरी कोशिश ये होगी कि इस सेशन में मैं HTML के पोर्शंस को कंप्लीट कर दूँ. सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने नोटपैड को. सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि भाई HTML के अंदर हमें फॉर्म बनाना हो तो आप फॉर्म कैसे बनाओगे. ये रहा मेरा फॉर्म, ये रहा हमारा फॉर्म. अब बेहतर कि मैं इसे अपर केस में लिखूँ अभी फ़िलहाल. ये रहा हमारा फॉर्म, और फॉर्म के अंदर आप क्या लोगे, मान लो मुझे लेना है एम्प्लॉय नेम. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द नेम ओवर देयर नेम. अब मैं आपको बोलता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T1. सपोज करें मैं यहाँ पे लेता हूँ पासवर्ड, अगेन मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू P1. सपोज मुझे लेना है यहाँ पे सैलरी, मैं यहाँ बोलता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, और अगेन मैं यहाँ पे देता हूँ नेम इज इक्वल टू S1. सपोज मुझे यहाँ पे लेना है रेडियो बटन, मैं लेता हूँ 6, मैं यहाँ बोलता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू R1, और मैं इसमें डिस्प्ले कर देता हूँ मेल. और यही काम मैं फीमेल के लिए भी कर देता हूँ. मैंने बताया था कि रेडियो बटन जब कभी भी आप यूज करोगे तो जो नाम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. यदि नाम सेम नहीं होगा तो आप दोनों सेलेक्ट कर पाओगे, मेल फीमेल, जो कि गलत है. भाई दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होना चाहिए, दोनों क्यों सेलेक्ट होगा. अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैं आप बोलता हूँ सबमिट, ये हमारा सबमिट बटन है. और अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू रिसेट. अब ये हमारा फॉर्म है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ सेव एज. अब आपने देखा होगा मैंने डायरेक्टली फॉर्म से लिखना स्टार्ट कर दिया. याद रखें कोई जरूरी नहीं होता कि मैं बार बार HTML है टाइटल बॉडी ये सारी चीज़ें डालूँ. अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ और ये काम करेगा, कहीं कोई इशू नहीं है. कायदे से हमें HTML है टाइटल बॉडी ये प्रैक्टिस में लाना चाहिए, लेकिन मैं चूंकि आपको बता रहा हूँ तो आपको ये भी पता होना चाहिए. डायरेक्टली आप ऐसे भी करोगे तब भी काम करेगा. और मैं जस्ट यहाँ पे इसका नाम डाल देता हूँ, और मैं इसका नाम डालता हूँ डी के अंदर, मैं सेव कर लेता हूँ. कहीं भी आप सेव कर लें, मैं इसे डी के अंदर सेव कर लेता हूँ a.html के नाम से. तो अब यदि मैं इस फाइल को ओपन करूँ यहाँ पे डी के अंदर आके a.html फाइल को, यदि मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे d:\a.html, अब ये रहा जी आपका फॉर्म. अब इस तरह का फॉर्म बना के यदि आप क्लाइंट को दोगे तो बिलीव मी क्लाइंट 100% तो भाग ही जाएगा. भाई ठीक है, अब आपको मैंने बोला कि भाई आप इसे अरेंज करो तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन तो और ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप तो ये काम तो कर ही सकते हो. आप यहाँ पर प्री लगा दो. प्री लगा देने से ये होगा कि भाई आपने जिस फॉर्मेट में लिखा है वो उस फॉर्मेट में वहाँ पर अवेलेबल होगा. ये रहा, लेकिन ये भी जो आ रहा है ये गलत आ रहा है. इस तरीके से फॉर्म यदि आप बनाओगे तो ये सही नहीं है. तो मैं इसको हटा देता हूँ. तो अब जब कभी भी आपको फॉर्म डिजाइन करना हो तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले बेसिक चीज़ों को आप समझ लें. अक्सर मैंने देखा है लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम आती है, लोग कोड तो लिख लेते हैं लेकिन एज ए बिगनर एज ए फ्रेशर ऑलवेज हमारे सामने एक समस्या होती है कि आप अपने फॉर्म को किस तरीके से अरेंज करो.
सपोज करो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा फॉर्म है, ये जो फॉर्म आ रहा है, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन आना चाहिए। तो मैं बड़ा एक बेसिक सा फंडामेंटल आपको दे रहा हूं, और वो फंडामेंटल क्या है कि आप अपने पूरे पेज को टेबल में डिवाइड कर लें, मैं ये मान लेता हूं कि ये जो मेरा पूरा पेज है ये अपने आप में एक टेबल है, और इस टेबल को आप क्या करेंगे, यहां पे फिर से मैं यहां पे एक इसको 3x3 के टेबल में डिवाइड करें, और 3x3 में यदि मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो 3x3 में यदि मैं इसे डिवाइड करूं, यहां पे मैं इसको 3x3 में डिवाइड कर लेता हूं, मैं 3x3 में डिवाइड कर लेता हूं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और मैं ये ले लेता हूं। अब 3x3 में मैं डिवाइड कर लेता हूं। अब 3x3 में यदि मैंने डिवाइड कर लिया इसे, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है आप यहां पे अपना काम कर सकते हो भाई, ये वाला जो पोर्शन है आप अपना फॉर्म यहां पे डिजाइन कर सकते हो, आप अपना फॉर्म इस कॉर्नर में डिजाइन कर सकते हो, आप अपना फॉर्म इस कॉर्नर में डिजाइन कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहां पे क्या करता हूं, मैं इसे बंद करता हूं, और सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं जस्ट टेबल डिफाइन करता हूं 3x3 का, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है इसमें ऑलरेडी ये चीजें हैं कि हाउ टू मेक द टेबल एंड ऑल। तो मैं यहां पे टेबल लेता हूं, और टेबल के अंदर मैं यहां पे ज्यादा कुछ नहीं, तो ये तो डाल नहीं सकता हूं, विड्थ इज इक्वल टू 100%, हाइट इज इक्वल टू 100%, और मैं यहां पे बोल देता हूं बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। अब मैं यहां पे 3x3 का टेबल लेना है, मैं यहां पे बोलता हूं TR, ये रहा हमारा TR, और अगेन मैं यहां पे TR ले लेता हूं, TR के अंदर मैं यहां पे TH ले लेता हूं, टेबल हेडिंग, अगेन मैं यहां पे TH ले लेता हूं, और 3TH मैं ले लेता हूं, 3x3 का टेबल चाहिए मुझे, मैं यहां पे 3TH ले लेता हूं, या मैं TD भी ले सकता हूं, कोई जरूरी नहीं कि मैं TH लूं, हो गया। मैंने यहां पे 3 रो ले लिए, और हर एक रो के अंदर 3 कॉलम ले लिए। एक चीज आपको यहां पे याद रखना है कि ये हालांकि अब पुराना हो चुका, आज के डेट में अब कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन तब भी एक जो बेसिक चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि मुझे यहां पे क्या करना है, ब्लैंक स्पेस रखनी है, मतलब यहां पे कुछ लिखना नहीं है, एक ब्लैंक स्पेस रखनी है। तो ब्लैंक स्पेस के लिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं NBSP सेमीकॉलन। अगेन मैं यहां पे लेता हूं NBSP सेमीकॉलन। और ये जो चीजें मैंने यहां पे ली है, इसको मैं यहां भी डाल देता हूं, और इसको मैं यहां भी डाल देता हूं। अब मुझे यहां पे क्या करना है कि ये जो हमारा NBSP है, अब इस NBSP के बीच में ये जो वाला पोर्शन है, इसके बीच में मैं टेबल बनाता हूं, और ये जो टेबल है मेरा, ये रहा फॉर्म, ये मैं यहां पर फॉर्म लेता हूं, और इस फॉर्म को उठा के मैं यहां पर डाल देता हूं, ये जो बीच वाला पोर्शन था मैंने फॉर्म को उठा के यहां पर डाल दिया। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मेरी जो पकड़ है वो इस बीच वाले पोर्शन पे हो चुकी है, अब मुझे क्या करना है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाले पोर्शन में फिर से एक टेबल ले लेता हूं। मैं यहां पर फिर से एक टेबल डिफाइन करता हूं, और ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर मैं यहां पे ले लेता हूं TR, ये रहा हमारा TR, ये रहा हमारा TD, और इस TD को मैं यहां पे बंद करता हूं, ये TD को मैं यहां पे बंद करता हूं, और अब सभी जगह आपको यही काम करना है, ये TR TD लेना है, मतलब आप जो भी फॉर्म बनाओगे ये TR TD के अंदर बनाओगे, ये रहा TR TD के अंदर बनाओगे। अब ये रहा हमारा TR TD, हर एक जगह आपने TD को ओपन करा है, तो आप TD को बंद भी करोगे और दूसरी TD ओपन भी करोगे, तो मुझे ये काम हर एक जगह करना है भाई। नेम के बाद ये नेक्स्ट TD आएगा, अगेन हमारा यहाँ पे सैलरी के बाद ये नेक्स्ट TD आएगा, अगेन हमारा ये सेक्स के बाद यहाँ पे नेक्स्ट TD आएगा, और अगेन हमारा यहाँ पे सबमिट बटन के बाद ये TD क्लोज होगा और फिर ये ओपन होगा, और अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, इस TD को बंद करता हूँ, और फाइनली मैं यहाँ पे TR को भी बंद करता हूँ, और ये जो TD TR मैंने यहाँ पे बंद किया है, इस TD TR को मैं यहाँ भी बंद करता हूँ, यहाँ भी बंद करता हूँ, और इसे लास्ट में यहाँ पे भी बंद करता हूँ, और इसे यहाँ भी बंद करता हूँ। और ये जो टेबल आपने बनाई है, मैं अब सीधा मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ बन क्या रहा है। ये रहा भाई, ये रहा 3x3 का टेबल, और इस टेबल के अंदर ये रहा आपका फॉर्म्स। यदि मैं इस फॉर्म में बॉर्डर दे दूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे टेबल में इसको देता हूँ बॉर्डर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा इसका बॉर्डर निकल के आ गया। लेकिन अब समस्या ये है कि ये काफ़ी स्पेस ले रहा है, और अब मुझे इस स्पेस को भी अरेंज करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ TR, और मैं इसका हाइट सेट कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ हाइट इज इक्वल टू 20%, ऊपर वाले का हाइट मैं ले लेता हूँ 20%,
ऊपर वाले टीआर का हाइट मैं ले लेता हूँ 20%, अगेन इस टीआर का हाइट मैं ले लेता हूँ 60%, और ये जो टीआर है लास्ट वाला इस टीआर का हाइट मैं ले लेता हूँ 20%। अब यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो ये थोड़ा सा आपको जगह मिल गया यहाँ पे बीच में। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो टीएच है इसके बीच में भी स्पेसिंग लेनी है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ विड्थ इज इक्वल टू, और विड्थ आप कितना रखोगे, मैं इसको ले लेता हूँ 20%। शुरुआत वाले जो टीएच हैं सभी में मैं 20% ले लेता हूँ, यहाँ पे भी देता हूँ 20%, और ये वाला जो है यहाँ पे इसमें भी देता हूँ 20%। और इसके बाद जो हमारा ये टीएच है, ये जो टीएच है ये बीच वाला, इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60%। बीच में ज़्यादा स्पेस चाहिए मुझे, और ये वाला जो टीएच है इस टीएच के अंदर मैं अगेन कर देता हूँ 20%। अब यही काम मुझे यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे विड्थ लेनी है 60%, ये हो गया हमारा बीच वाला पोर्शन, और ये जो टीएच है इसकी विड्थ आपने 20% यहाँ पे ले ही रखी है, और ये वाला जो टीएच है इस टीएच को मैं यहाँ पे विड्थ इसका कर देता हूँ 60%। ये टीएच और ये जो टीएच है यहाँ पे, ये टीआर टीएच, ये फर्स्ट वाले टीएच है मैं 20% करता हूँ, और ये वाला टीएच है मैं इसको 60% करता हूँ यहाँ पे, और ये जो लास्ट वाला टीएच है इसको भी मैं यहाँ पे 20% करता हूँ, यहाँ पे भी 20% करता हूँ। मॉडल सभी जगह टीआर टीएच के अंदर हमने विड्थ वगैरह सेट कर दिया है। अब मैं एक बार इसको अरेंज करके देखता हूँ। अब ये रही काम, अब ये आपका टेबल 3x3 का टेबल बन गया। अब यहाँ पे ये रो एंड कॉलम्स आ रहे हैं आपके, अब ये टेबल आपका आ रहा है। अब आप चाहोगे कि ये टेबल यहाँ पे सेंटर में आ जाए, तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इसकी जो विड्थ और हाइट है वो भी इंक्रीज कर देता हूँ। विड्थ इज इक्वल टू 100%, याद रखेंगे इस 100% का मतलब है ये वाला एरिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विड्थ इज इक्वल टू 100%, अगेन मैं बोलता हूँ हाइट इज इक्वल टू 100%, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अब ये हमारा आ रहा है, अब ये अपना जगह ले रहा है। मैं एक काम कर लेता हूँ, और ये आपने यहाँ पे TRTD डाल नहीं दिया, एक काम करें यहाँ से मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर इज इक्वल टू मैं 0 कर देता हूँ। अब देखें ये कम से कम आपका ये जो टेबल आ रहा है, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, अभी ये जो हमारा विड्थ और हाइट है मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, चूँकि ज़्यादा हो रहा है फील्ड कम है, तो मैं इसका विड्थ और हाइट कर लेता हूँ 50%। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पर, ये रहा, और मैं इसे चाहूँगा कि ये सेंटर में आ जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सेंटर लिख देता हूँ इस टेबल से पहले, और मैं यहाँ पे सेंटर लिख देता हूँ। यदि आप सेंटर ना लिखना चाहें तो फिर क्या कर पाएंगे, यदि आप सेंटर चाहते हो ना लिखें तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये अब हमारा ये टेबल यहाँ पे बीच में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर में जो आपने ये बॉर्डर लगाया था 1, मैं इस बॉर्डर को यहाँ पर 0 कर देता हूँ, अब ये आपका सेंटर में आ गया। अब इस टेबल की सबसे अच्छी बात यह है, ये इस फॉर्म की सबसे अच्छी बात क्या है, कि अब आप यदि इसे मिनिमाइज करोगे, ये अपने हिसाब से अरेंज करेगा, ये ऑटोमेटिक वो ले लेगा। अक्सर लोग बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या, किसी भी कंटेनर के अंदर यदि मैं ओपन करूँ, यदि मैं टैब में ओपन करूँ, यदि मैं उसको मोबाइल में ओपन करूँ, तो उसे उस स्क्रीन के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए। अब आप इसको मिनिमाइज करो, आप इसको मैक्सिमाइज करो, ये आपके स्क्रीन के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा, और ये जो फॉर्म है आपका यहाँ पे ये बन गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मैं यहाँ पे ले लूँ TR, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ TR, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ TH, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एम्प्लॉय डिटेल्स, और ये जो TH है मैं इस TH को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और ये जो TR है इस TR को भी मैं बंद कर देता हूँ। अब यदि मैं यहाँ पे देखूँ, अब ये आपका जो फॉर्म आ रहा है ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से आ रहा है। तो आपको जो बेसिक फंडामेंटल कवर करना है, जो फॉलोअप करनी है, वो क्या करनी है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि 3x3 का टेबल बना लें, और उसके बाद जिस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको काम करना है वहाँ पे जाएं, फिर से एक टेबल बनाएं, और उस टेबल के अंदर आप अपने फॉर्म्स को अरेंज करें। मैं बोलता हूँ copyright@Santosh, और यदि मैं इसे रन करूँ तो ये राजी आपका टेबल, ये राजी आपका फॉर्म, और विश्वास करें यदि आप ऐसा फॉर्म बना के देंगे तो मोर लेस क्लाइंट आपका भागेगा नहीं। तो सबसे पहली चीज़ केवल ये जरूरी नहीं होता कि भाई आप केवल फॉर्म बना लो या टेबल बना लो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। देखो एक बात आपको ध्यान देना होगा कि HTML में आप डिजाइनिंग करते हो, डिजाइनिंग का मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉपर दिखें, चीज़ों को प्रॉपर आपको प्रॉपर दिखाने के लिए आपको चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना होगा, जो उसका लेआउट है, जो पर्सन, आपने यहाँ पर गौर किया होगा मैंने यहाँ पर जितने भी विड्थ और हाइट दिए हैं सब में मैंने यहाँ पर परसेंटाइल लगाया। परसेंटाइल का मतलब क्या,
परसेंटाइल का मतलब यह है कि भाई आप इसको अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी होगी, हाउ टू मेक द फॉर्म्स। यदि आपको फॉर्म डिजाइन करना है, फॉर्म बनाओगे कैसे, ये नहीं कि आपने फॉर्म बनाया आप पता लगा वो फॉर्म कॉर्नर में आ रहा है। अरे भाई आपको फॉर्म बनाना है, देखो आप वेब पेज बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, दुनिया इसे देखेगी। अब दुनिया को दिखाना है तो कुछ बेहतर दिखाओ ना, कुछ ऐसा करके दिखाओ जो सामने वाले को बेहतर लगे, कुछ अच्छा लगे। अब आपने ऐसा फॉर्म बना दिया कि आदमी परेशान हो रहा है देख के, तो बड़ी दिक्कत है भाई। अब आप देखो यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बीजी कलर इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिल्वर। अब आप देखो जरा गौर से, मैंने बीजी कलर सिल्वर। अब आप ये देखो, अब ये जो टेबल है आपका, इस टेबल में मैं बीजी कलर इज इक्वल टू यहाँ पे कर देता हूँ वाइट। अब आप अपने हिसाब से इसमें कलाकारी कर सकते हो, आपको जो भी कलाकारी करनी है वो कलाकारी। अब ये देखिए, अब आपका ये फॉर्म ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको काम करना है तो मेरी इस बात को याद रखेंगे, 3x3 का एक टेबल बनाएं, और 3x3 का टेबल बनाने के बाद जिस पर्टिकुलर कॉर्नर में या जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर आपको काम करना है आप काम करें, उसके विड्थ और हाइट को प्रॉपर कर लें। विड्थ 100% रखना है, 60 वो आपको डिसाइड करना है कि विड्थ कितनी रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर काम करें और वो आपके लिए बेहतर। उम्मीद करता हूँ कि भाई ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो जो हमारा HTML का जो नेक्स्ट पोर्शन था, जो मुझे आपको बताना था, वो ये पोर्शन बताना था। मोरलेस अब आप HTML जान पा रहे हो, अब आपको HTML के बारे में पता। अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूँ जो HTML के जो मॉडर्न टैग हैं, जो नॉर्मली HTML 5 के साथ अवेलेबल है, वो मैं आपको बता दूँ। आप यहाँ पर जरा गौर करें, मैंने यहाँ पर नाम डाला, मान लो मैंने यहाँ पे डाला आकृति, मैंने पासवर्ड डाला ASD, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे शैली डाला। आप ज़रा गौर करें, मैंने यहाँ पे शैली डाला, ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर केवल आप नंबर डाल सकते हो, अब आप यहाँ पे ABCD नहीं डाल सकते। तो दिस इज़ द गुड थिंग, अर्लियर लोगों को इस काम को करने के लिए वैलिडेशंस लगाने होते थे। जिस तरह से हमने यहाँ पे क्या लिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, केवल आप नंबर ले लें तो वो काम करें। अब जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ लेनी है, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए पहले लोगों को पास बड़ा, हमने काम किया है और जब हम काम करते थे तो बड़े लंबे चौड़े कोड लिखने पड़ते थे, जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करने होते थे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। आप बोलोगे सर ये जो नेम है इसका काम क्या है, इसका काम आता है बॉस जब आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे, आप PHP यूज़ करोगे, आप ASP यूज़ करोगे, जब कभी आप प्रोग्रामिंग यूज़ करोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करके आप रेफरेंस पास करोगे। यदि मान लो मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट में, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, बाय द यूज ऑफ नेम, बाय द यूज ऑफ ID, उसी काम के लिए जा गया। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, अब मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया। आप जरा गौर करें कितनी बेहतरीन चीज़ आपके सामने आ गई। अब आप देखें यहाँ पे ये खुद ब खुद ही आ गया, आप देखो अब ये पूरी की पूरी कैलेंडर आ गई बॉस। अब आप क्या जान लोगे बेचारे के, ये देखो अब ये पूरा का पूरा कैलेंडर आपके सामने है, ये पूरी कैलेंडर आपके सामने है। तो हमने यहाँ पर सिंपल डाला इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, दैट्स इट। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे मेल आईडी लेनी है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ TRTD, मैं अब बोलता हूँ मेल आईडी, अब मैं बोलता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। अब मैंने यदि इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल डाल दिया यहाँ पे, यदि मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया, अब यदि मैं रन करूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ और मैंने ये डाल दिया, बटन पे क्लिक किया, इमीडिएट आपको एरर मैसेज मिलेगी। आप देखो ये खुद ब खुद बता रहा है भाई मेल आईडी इस तरीके से नहीं हो सकते, आपको कहीं ना कहीं @ लगाना होगा, @ के बाद कुछ लिखना होगा इस तरीके से, अब आप काम करोगे, अब ये काम करोगे इसी तरह से। तो ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू नेम, नंबर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, इन चीज़ों को आप याद रखें। और ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, जो पुराने वाली HTML 4 थी, ये HTML 5 के कॉम्पोनेंट हैं, ये जो चीज़ें हैं ये HTML 5 के एक्सटेंशन हैं। HTML 5 तो यदि आपसे कोई पूछे भाई HTML 5 में नया क्या है, तो आप बता सकते हो कि पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब आ रही हैं। और मुझे जो सबसे बेहतर लगता है वो ये लगता है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट। अब आ जाए यहाँ पे एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, जैसे अभी क्या है भाई, आप यहाँ पे आते हो, आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो, आपका पेज रिफ्रेश हो रहा है, जरा गौर करो। जब भी आप सबमिट बटन पर क्लिक करो तो आप यहाँ पे देखना, जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट नाम तो होना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ हेरा TRTD, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब कुछ नहीं करता मैं, यहाँ पर लगा देता हूँ रिक्वायर्ड। यदि मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा दिया है, इसका मतलब ये है, अब यदि मैं इसे ब्लैंक छोड़ दिया, और मैंने ब्लैंक छोड़ने के बाद यदि मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया, इमीडिएट यू विल गेट द मैसेज, आपको मैसेज मिलेगा। पहले आप उसे सेव कर लें, फाइल सेव, और मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें
अब खुद ब खुद कर्सर वहां पे आ रहा है, बोल रहा है भाई यहाँ पे आपने ब्लैंक छोड़ रखा है। तो ये जो कलाकारी है, ये कलाकारी निकल के आई है इनपुट टाइप में, आपने जो वहाँ पर रिक्वायर्ड लगा दिया है। तो आप किसी भी फील्ड में यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा सकते हो, ये भी HTML 5 के अंदर ही आता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज जो आपको काम करना है वो यही काम करना है। काम क्या करना है, आपको टेबल बनाने हैं, अलग अलग पोर्शंस में टेबल बनाने हैं। जैसे मैंने सेंटर में बनाया, अब मैं बोलूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉर्नर में टेबल चाहिए, ये फॉर्म चाहिए, मैं बोलूँ कि मुझे इस कॉर्नर में फॉर्म चाहिए, तो ये काम आप कैसे करोगे। तो इस काम को करने के लिए फिर वही जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको याद रखना है और उसको यूज़ करके आप इस काम को कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। कई लोग इंतज़ार कर रहे थे कि HTML की नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। मैं बीच में थोड़ा सा बिजी हो गया था और इसी कारण से मैं वीडियो डाल नहीं पाया। आज मुझे मौका लगा तो मैंने वीडियो डाल दिया। लेट हो सकता है लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, आप इस बात की टेंशन ना लें। मैं डालूंगा वीडियो जरूर, ये कमिटमेंट है, लेकिन थोड़े से उस कमिटमेंट के बीच में थोड़ी सी व्यस्तता आ जाती है। लेकिन जो भी है, आपको वीडियो मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर योर फीडबैक। आप अपनी फीडबैक दें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को भी बताएं कि ये चैनल है, आप उस पर जाओ। अब आप देखो दो वीडियो के अंदर HTML की वो सारी चीज़ें आ गई जिसको पढ़ने के लिए कॉलेज में पूरा सेमेस्टर लग जाता है। बस हम जाते हैं कॉलेज में, हम लोग क्लासेस लेते हैं, कई जगह हमने देखा है पूरे एक सेमेस्टर तक तो वेब डिजाइनिंग ही चलती है जिसमें HTML महीने भर की क्लास होती है। अब मुझे समझ में नहीं आता महीने भर के क्लास में वो करवाते क्या है। जो भी है, दैट्स इट, वो उनका जॉब है, वो जो भी करवाते हैं भाई। HTML हमारा यही है और इसको लेकर यदि आप काम करेंगे इस तरीके से आप बेहतर से बेहतर फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। आप इसे देखें, इंजॉय करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आपके कमेंट, आपके फीडबैक, जिसका मुझे इंतज़ार रहता है। कोई भी चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आ रही है, फिर से समझना चाहते हैं, तो आप हमें कॉमेंट करें और पर्सनली आप अपनी मेल आई डी दें। आई विल सेंड यू द नोट्स ऑन द मेल एंड ऑल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।